हुजूर के नाई के गिर्द घूमते थे कि एक बाल भी जमीन पे न गिरे। बोलिए, ये हुक्म हुजूर ने दिया था। अब हुजूर का बाल भी गिरने न दें और वुजू का कतरा भी गिरना न दें, उठा उठा के चेहरों पर मले। आका ने देख लिया, तौसीक कर दी तो सुन्नत तकरीरी बन गई। ये सुन्नत तकरीरी तो बनी बाद में, जब हुजूर ने मना नहीं किया। लेकिन जब सहाबा ये कर रहे थे, वो किस नस से शरीफ पर कर रहे थे? कौन सी दलील थी कुरान की? ये कौन सा हुक्म था रसूल का? न कुरान की आयत ने कहा था कि वुजू का एक एक कतरा जो मुस्तफा के पांव से कदमों से लगे उसको भी मल लिया करो, एक एक बाल संभाल लिया करो और खालिद बिन वलीद की टोपी में रख लिया करो। लेकिन जब सहाबा ने किया, किस दलील शरी से किया? न कोई नस्से कुरान थी, न नस्से हदीस। हाँ, एक नस थी और वो नस्से इश्क थी।